नमस्कार मध्यान खबर को स्वागत कर प्रथम नजर पकेबा हेडलाइंस उपरे चासिंग को टंका हड़प नहीं राज्य सरकार बरसिला बीजेपी मिलर्स जरिए राज्य सरकार खाईगले 2200 कोटी केंद्र सरकार देउथवा टंका पाउ नहांती चासी राज्य में 7000 चासिंग को होई छि टोकन लैप्स बीजेपी कृषक मोर्चा सभापति प्रदीप पुरोहित को तथ्य भित्तिक अभियोग बांटिबाकु आसिथिले विजु स्वास्थ्य कार्ड किंतु जनतांक प्रश्न रहिले बाटपणा पुरी रे हटहटा हेले मंत्री तुषार कांति बेहरा लोक पचारे कुआडे गला तम पक्का रास्ता भिजिलांस जालरे कुबेर कनिष्ठ जंत्री देवगढ़ तिलेबड़ीर विकास बेहरा घरे रेड मिलला 60 प्लटर संधान एककालीन चढ़ाऊ बेले टंका और गाड़ी भी जबत सरकारी जमीरे बीजेडी विधायकों घर अभियोग कांग्रेस पक्षर 11 घंटिया दारिंगबाड़ी बंद डाकरा विवाद रे जी उदयगिरी एमएलए सालुगा प्रधान पुणी विवाद रे मालकानगिर पुलिस पीड़िता को न्याय बदल रे देखाउछंती दबंगिरी केस रे कार्यानुष्ठान नाही एतला न करबा को पकाउछंती चाप आदर्श थाना नारे संगीन अभियोग राउरकेला रे लज्जा 13 वर्ष रो नाबालिका को दुष्कर्म अभियोग सेपटे आंतर्जातिक शिशु कन्या दिवस रे खोर्धा रे शिशु बिक्री अभियोग दारिद्र्याग रे हार मानिला ममता आज ट्विन सिटी आरंभ हो नाइट कर्फ्यू राति 8 सका 5 जाए जारी रटका नाइट कर्फ्यू बेले अमानिया रोब पुलिस कड़ा नजर सेपटे राति 8 पर मिलवनी मो बस सेवा चासी टंका हड़प नहीं राज्य सरकारों पर बर्षि बीजेपी मिलर्स जरिए राज्य सरकार खाईगले 2200 कोटी टंका मिलर्स को चाप पर मुख्यमंत्री नवीन पटनायक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिठी लिखिंट आज प्रेस मीट करी राज्य सरकार बर्षिंट बीजेपी कृषक मोर्चा सभापति प्रदीप पुरोहित चाषी प्रति ओडिशा सरकार आदौ दरद ना चाषी कुंभीर कांदना कांदुंट राज्य सरकार अखा सुतुली और श्रमिक चार्ज टंका केन्द्र देते भी चाषी को मिलूनी राज्य में 7000 चाषी को होगी टोकन लैप्स केन्द्र सरकार देउथिबा परिवहन टंका भी चाषी पाउनांती मिलर को जरिए परिवहन खर्च नदे चाषी को लुटुचंती सरकार राज्य सरकार सबुठ चाषी को अधिक गुरुत्व देउथवा कहि कुंभीर कांदकणा कांदुवा बेले वास्तव चित्र किंतु संपूर्ण ओलटा कृषकों पर सरकारी योजना परिहास सदृश होता बेले राज्य में राज्य सरकार अव्यवस्था चाषी दुर्दशा असंभाल होती देखा गले राज्य सरकार टोकन और टार्गेट व्यवस्था कारण चाषी असंतोष देखाई व्यवस्था फल राज्य में विभिन्न स्थान में मंडी में हजार हजार क्विंटाल धान पड़ रही नष्ट एवं चाषी हताश हो असहाय मन कर दीर्घ 21 वर्ष शासन व्यवस्था रहा मध्य राज्य मंत्री चाषी स्वार्थ ना ये राज्य मिलर्स मान स्वार्थ मुख्यमंत्री चिठी जदि चाषी स्वार्थ होता टोकन लैप्स हो नाता जदि चाषी स्वार्थ मुख्यमंत्री था ताहले 1200 टंकारे अंडर रेट रे राज्यर चासी धान बिकु न थांते जदि चासिंग को स्वार्थ रे मुख्यमंत्री थांते ताहले बस्तार पैसा सुतिली रो पैसा जो 2200 कोटी टंका मिलर्स माने लुटी के नै गले एठी चासी तांकर अकाउंट रे पाई थांते कहा स्वार्थ पई ओडिसा रा मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को ए चिट्ठी लिखिले
विजु स्वास्थ्य कार्ड बांटिबाक आसी मंत्री तुषारकांति बेहरा हटहटा। पूरी अस्तरंग ब्लक तांडाहार गाँव में विजु स्वास्थ्य कार्ड बांटिबाक जाइथिले मंत्री, किंतु लोक तांको निर्वाचन बेले देइथिबा प्रतिश्रुति संपर्क में पचारथिले। तांडाहार को पक्का सड़क प्रतिश्रुति देइथिले विधायक। तेबे मंत्री सहित चेयरमैन स्वाधीन नायक, जिला परिषद अध्यक्ष ज्योतिर्मय दलाईं समेत बहु बिजेडी नेता हटहटा होगा पड़ी। सूचना अनुसार मंत्री स्वास्थ्य कार्ड बांटिबाक तांडाघर आसीथिबा समय कच्चा रास्ता को बाली बस्ता दे मरामती करा जाइथिला, किंतु गाड़ी सर गाँव किसी दुर्बृत्त से ही बाली बस्ता को काढ़ी फल कौन गाड़ी फेरवा संभव हो नाला। घटना को किसी समय उत्तेजना प्रकाश पाइला, सेपटे पुलिस दबंगिरी देखा मिलता। स्थानीय युवक को संदेह कर पुलिस अत्याचार करोग भी सामनाक आसे। तेज साधारण जनता प्रश्न, मंत्री जदि गोटे दिन से गाँव को जापार ना से गाँव लोक किभली प्रतिदिन जावासवा कर ये जो अवस्था दीर्घ पांच वर्ष देखा मो पास फुटेज भी अच्छी दीर्घ तीन मैंने पंद्रह दिन कोड़े दिन तरह फुटेज मोबाइल अच्छी मोर किसी असुविधा रही असुविधा किसी तो ये सब नाटक कौन चल। विजिलेंस सेल रे कुबेर कनिष्ठ जंत्री आय बहिर्भूत संपत्ति ठूल अभियोग में देवगढ़ तिलेभुणी ब्लॉक रो विकास बेरांक घरे रेड होई छी। एककालीन दुईटी स्थान रे चढ़ाउ जारी रही छी। तेबे बड़ कथा होई छी 6 वर्ष रे से निज एवं निज पत्नी को नारे 60 प्लॉट किणीथिबार संगीन अभियोग आछी। कनिष्ठ जंत्री को बासभवन एवं कंडल स्थित शशुर घरे चढ़ाव करछी विजिलेंस। चढ़ाव बेले 60 प्लॉट दुई महला कोठा बोलेरो 100,000 टंका जब्त करा जाय छी। जी उदयगिरी बिजेडी विधायक सालुगा प्रधान सरकारी जमि में बेआईन कोठा निर्माण को विरोध। कांग्रेस तरफ आज 11 घंटिया दारिंगबाड़ी बंद डाकरा दी जाएगी। या प्रभाव में दारिंगबाड़ी दुकान बजार समेत गाड़ी चलाचल बंद रही। कांग्रेस कर्मी चारि छक बिजेडी विधायक सालुगा प्रधान विरोध में नाराबाजी करने सहित बेआईन कोठा निर्माण कर विधायकों विरोध में कड़ा कार्यानुषान ग्रहण करने को दावी होती। कांग्रेस बंद डाकरा को आखिआगे रखि दारिंगबाड़ी पुलिस तरफ दुई प्लाटून फोर्स मुतयन रही। एमती बेआईन कोठा स्थल में पुलिस तरफ फोर्स जगि रही। ब्लॉक रे जो भले दुर्नीति प्रशासन मान को विधायक करुछी बंद डाकरा देथिलु एवं सरकारी जमी को जबरदस्त हड़प करी 30-35 लाख टंकार कोठा निर्माण बेन कोठा निर्माण करी भी आम बंद करने सरकार को लिखित भाव में जनईलु। पीआरआई मेम्बर सरपंच समिति सभ्य चेयरमैन भाइस चेयरमैन ये जो ब्लॉक रे जो अन्याय करुले आसीस्टाट इंजीनियर को हत बारिश कर सी जो अन्याय करुला ताकू प्रतिवाद करके आम जिला प्रशासन को लिखिकी देलु। जिला प्रशासन राति अधरे आसी दुईटा बेले आसी पीडीडीआर दिए जे आपण मानकर दाबी आम पूर्ण करूँ। अक्टोबर 2 सुधा आसीस्टाट को बदली करूँ एवं से कुठा को आम सिल करूँ भांगू ये प्रतिश्रुति देते किंतु दुर्भाग्यर कथा आज पर्यंत यही प्रशासन दे प्रतिश्रुति को रखिले ना एणु आम पुणी चेतावनी देलु। अक्टोबर 10 सुधा जदि आम दाबी पूर्ण न हुए तो आम 11 तारीख दिन दारिंगबाड़ी बंद करूँ एवं राजरास्ता को ओल्लू बोली खबर जारी रहिबो। समीक्षक ब्रेक रो ब्रेक रे स्वागत।
ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନାଁରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୟ, ଲୋକଙ୍କୁ କାହିଁକି କରାଯାଉଛି ବାଧ୍ୟ, ତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ସମ୍ବଲପୁର ବାବନା ବ୍ଲକ ଗୋବିନ୍ଦପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏଭଳି ଘଟଣା। ଟିକା ନ ନେଲେ ସରକାରୀ ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହିତାଧିକାରୀ, କରୋନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଡୋଜ୍ ଟିକା ନ ନେଲେ ସରକାରୀ ଯୋଜନାରୁ କଟିବେ ହିତାଧିକାରୀ, ଏଭଳି ଏକ ଉଦ୍ୟମକୁ ନେଇ ଏବେ ଜୋରଦାର ଚର୍ଚ୍ଚା। ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକବାଜି ଯନ୍ତ୍ରରେ ସଚେତନ କରାଯାଉଛି। ପ୍ରଥମ ଡୋଜ୍ ନେବାର 84 ଦିନ ପରେ ବି ଦ୍ୱିତୀୟ ଡୋଜ୍ ନେଇନଥିଲେ ହିତାଧିକାରୀ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ, ରାସନ କାର୍ଡ ଭଳି ଅନେକ ସରକାରୀ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ। ତେବେ ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ, ସଚେତନ କରାଯାଉ, ବାଧ୍ୟ ନ କରାଯାଉ। ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି କେମିତି ନିଆଯାଇପାରିବ? ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଶିଶୁ କନ୍ୟା ଦିବସରେ କନ୍ୟା ବିକ୍ରି ଅଭିଯୋଗ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବାଘମାରୀରେ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ବିକ୍ରି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ନବଜାତ ଶିଶୁ କନ୍ୟାକୁ ଅନ୍ୟ ହାତରେ ଟେକି ଦେଇଛି ଜଣେ ଅସହାୟ ମା। ମାଆର ମମତା ଆଗରେ ଅସହାୟ ପଡ଼ିଥିଲା ଦାରିଦ୍ର୍ୟ। ଗତ 22 ତାରିଖରେ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରୁଥିବା ମହିଳା ଶିଶୁ କନ୍ୟାଟି ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଛୁଆ ଜନ୍ମର କିଛି ସମୟ ପରେ ତାକୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ପରିବାରକୁ ଦେଇଦେଇଥିବା ବାଘମାରୀ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ସେପଟେ ଶିଶୁ କନ୍ୟାର ସୁରକ୍ଷା ଦାବି କରିଛନ୍ତି ବାଘମାରୀ ଗ୍ରାମର ସମାଜସେବୀ। ସେଇ ମା ଓ ଛୁଆ ପ୍ରତି ଆମର ଗଭୀର ସମ୍ବେଦନା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ମା 10 ମାସ ଗର୍ଭରେ ଧରି ଛୁଆକୁ ଜନ୍ମ କଲା, ସିଏ ଆଜି କାହିଁକି କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ କାହା ପ୍ରରୋଚନାରେ ପଡ଼ିକିରି ନିଜ ସନ୍ତାନକୁ ଅପରକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଛି ବା ବିକିଛି, ତା'ର ତଦନ୍ତ ହେଉ। ଏବଂ ସେ ଛୁଆ ଯଦି ମା ଅଭାବରେ ଆଜି ମରିଯାଏ ବା ତା'ର କିଛି ହାନିଲାଭ ହୁଏ, ସେଥିପାଇଁ କିଏ ଦାୟୀ ରହିବ? ଏହାର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଜାଣିଲି 8 ଦିନ ପରେ ସେ ଘରକୁ ଆସିଲା, ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଜାଣିଲି ଯେ ଛୁଆ ନାହିଁ। ମୁଁ ପଚାରିଲା, ସେ ପୁରା କହିଲା ମରିଯାଇଛି ଛୁଆ। ହଁ ହଁ ଭଲ ଥିଲା। କଳାହାଣ୍ଡି ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ରେ ଜନବସତି ମୁହାଁ ଗଜରାଜ। ସାନ ଜାମକି ହିଜୁ ଗାଁର 3ଟି ଘର ଭାଙ୍ଗିବା ସହିତ ଧାନ ମକା ଫସଲ ନଷ୍ଟ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। 25ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଜଙ୍ଗଲୀ ହାତୀ ପରେ ନିକଟସ୍ଥ ପାତଡଙ୍ଗଠାରୁ ସାନ ଜାମକି ହିଜୁ ଗାଁର ମାଝିପଡ଼ାକୁ ଆସିଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀ କହିଛନ୍ତି। ହାତୀର ଗର୍ଜନ ଶୁଣି ଲୋକେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଚାଲି ଆସିଥିଲେ। ହାତୀପଲ ପ୍ରଥମେ ଗାଁର ଚିନ୍ମୟୀ ହରିଜନଙ୍କ ଘରକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ସହିତ ଅନେକ ଜିନିଷ ନଷ୍ଟ କରିଥିଲେ। ପରେ ଘର ଲୋକେ ବନ ବିଭାଗକୁ ଫୋନ୍ ଯୋଗେ ଜଣାଇଥିଲେ। ବନ ବିଭାଗ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନ କରିବା ସହିତ ହାତୀପଲ ଘୋଡ଼ାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଛି। ହାତୀ ଆସିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା, 20-25 ପଟ ହାତୀ। ଆମେ ଶୋଇଥିଲୁ ରାତି 10ଟା 12ଟା ଆଡ଼କେ ହାତୀ ମୋର ଘର ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ରୁଞ୍ଜି କରିଦେଲେ। ଆମେ କେତେ କଷ୍ଟେ ଉତ୍ରି କରି ଆମେ ଉଖରପଡ଼ା ଭାଗିଲୁ। ଧାନ ଚାଉଲ କିଛି ନାଇଁନେ, ବାସନ ପତର କିଛି ନାଇଁନେ, ଖୁରି ଘିନା ଖାଇବାଟା କିଛି ନାଇଁ, ଡେକ୍ଚି ପତର କିଛି ନାଇଁନେ ଆଜ୍ଞା। ଆମେ କି ଉପରେ ଆମେ ବଞ୍ଚିବୁ? ଆମର ଘର କାହାତି ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ମାଡ଼ି ଶୁଣି କଲେ ରାତି 10ଟା 11ଟା ଆଡ଼କେ। ତାପରେ ଆମର ଜୀବନ ବଞ୍ଚିକରି ଆମେ ପଡ଼ା ପଳେଇଲୁ। ଆରୁ ଯାହା ବି ଘରେ ଥିଲା ଧାନ ଚାଉଲ ଯାହା କିଛି ବି ବିହନ ପାଚଲ ଥିଲା ସବୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲେ, ଆଉ ଯାହା ମକା ଥିଲା ମକା ବି ଖାଇଦେଲେ, ଆଉ ଧାନ ଚାଷ ବି ତ ହେଇ ମାନେ ନ ଏଇଟା ହେଇଥିଲା ଆଜ୍ଞା, ସବୁ ପାଜବା ଉପରେ ଥିଲା ସବୁ ଖାଇଦେଲେ, ଆଉ କିଛି ବି ନାହିଁ। ଆରି ସେଠୁ ସରକାର ଟିକେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନାରୁ। ପୁଣି ରାଉରକେଲାରେ ଲଜ୍ଜା। ରାଉରକେଲା ଜଲଦାଫାଣ୍ଡି ଅଞ୍ଚଳର 13 ବର୍ଷର ଜଣେ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ। ଜଲଦାଫାଣ୍ଡିରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ପୀଡ଼ିତା ନାବାଳିକାଙ୍କ ବାପା। ଗାଁରେ ପର୍ବ ଥିବାରୁ ନାବାଳିକା ଜଣକ ଉକ୍ତ ଗ୍ରାମର ଜଣକ ଘରକୁ ନାଚ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ। ସେଠାରେ ଜଣେ ଯୁବକ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଧମକ ଦେଇ ଯେଉଁ ଜବରଦସ୍ତ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଶେଷ ହୋଇଛି ଅପେକ୍ଷା। ଜାତୀୟ ଟେଲିଭିଜନରେ ଆଜିଠୁ ପ୍ରସାରିତ ହେବ ଓଡ଼ିଆ ବୀରତ୍ୱର ବଡ଼ ସୋ ବିଦ୍ରୋହ। ଟ୍ରେଲର ରିଲିଜ ପରେ ଜୋରଦାର ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଥିଲା ଏହି ମେଗା ଧାରାବାହିକ। ଆଜିଠୁ ସୋମବାର ଶୁକ୍ରବାର ସନ୍ଧ୍ୟା 6:30ରେ ଏହି ଧାରାବାହିକ ପ୍ରସାରିତ ହେବ, ଯାହାକୁ କେବଳ ଓଡ଼ିଶା ନୁହେଁ ସାରା ଦେଶ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ଓଡ଼ିଶା ଲଢ଼ିଥିଲା ଦେଶର ପ୍ରଥମ ବ୍ରିଟିଶ ବିରୋଧୀ ସଶସ୍ତ୍ର ସଂଗଠିତ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଏହି ଧାରାବାହିକର ପୃଷ୍ଠଭୂମି। ଇତିହାସ ଓଡ଼ିଆ ବୀରତ୍ୱକୁ ନେଇ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇନି, ଯାହା ଇତିହାସ ପୃଷ୍ଠାରେ
जो गुरुतर अधिकारी एबे सरप्लस आसुची मेगा धारावाहिक विद्रोही 1857 विद्रोह 40 वर्ष पूर्व उड़िया जाति लड़ीला देशर प्रथम ब्रिटिश विरोधी संघर्ष जयराजगुरु को प्रेरणा रे बक्सी जगबंधु पिंडिकी बाहुबलेन्द्र कृतिवास पारसाणी माधवचंद्र राउतराय एमती आहुरी अनेक पाइक योद्धा ब्रिटिश साम्राज्य को देते खोला चैलेंज 2017 मसीह पाइक विद्रोह 2 वर्ष पूर्ति पालन पर तत्कालीन अर्थमंत्री अरुण जेटली देशर बजेट घटे व्यपराध पाइक विद्रोह 200 वर्ष को महासमारोह पालन करने केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान देते प्रथम प्रस्ताव तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी 200 वर्ष पालन उत्सव करते शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ओडिशासी विद्रोही उत्तरदायित्व को करते सम्मानित पाइक विद्रोह मूल केन्द्र खोर्धार बरुणी पहाड़ तले पाइक विद्रोह स्मृति निर्माण पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद करते भित्तिप्रस्तर स्थापन ओडिया मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान उद्यम भारत सरकार और पेट्रोलियम मंत्रालय इंडियन ऑयल यह स्मृति निर्माण पर 200 कोटी व्यवराद कर छंदे। खबर जारी रहा समय छाओ एक ब्रेक रहा सीधा सड़क जी केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान का सांबादिक सम्मेलन को जो ज्वाइन करे नेशनल कॉन्फ्रेंस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में जो ज्वाइन कर रहे इसे मित्र देवेंद्र राणा जी सुरजीत सिंह सलाथिया जी ये अपने आप में ये दोनों की उपस्थिति पिछले कुछ वर्षों से जैसे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने कहा भारतीय जनसंघ के जमाने से भारतीय जनता पार्टी और देश की संविधान बनने के उपरांत संसद ने कई बार कई घटनाओं की साक्षी रहा है। जम्मू कश्मीर की विकास कैसे हो, जम्मू कश्मीर की लोगों की उन्नत कैसे हो, उनकी जीवन ठीक कैसे हो, इसके ऊपर देश सदैव प्राथमिकता रखी है। भारतीय जनता पार्टी और हमारी लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अनेक आयाम से जे&के से जुड़े हैं। उनकी विचारों से, उनकी नेतृत्व से आज सहमति जताते हुए मित्र देवेंद्र राणा जी और सुरजीत जी ने भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन किए। आज धारा 370 2019 अगस्त 5 की उपरांत पिछले 2 साल से अनेक काम हुए हैं और आज मैं मानता हूं उन सारे कामों में विश्वास रखते हुए देवेंद्र जी और सुरजीत जी की ज्वाइनिंग उस गति, उस कामों की गति को, उस विकास के प्रभाव को जम्मू कश्मीर और भारत की और मजबूत एक स्तंभ बन के दोनों खड़े रहेंगे। मैं उनको पार्टी में केंद्रीय इकाई की ओर से और जम्मू कश्मीर इकाई की ओर से स्वागत करता हूं। मेरा विनम्र निवेदन है जम्मू कश्मीर के लोकप्रिय नेता और लंबे समय तक विधायक प्रोविंशियल प्रेसिडेंट रह चुके नेशनल कॉन्फ्रेंस के श्री देवेंद्र सिंह राणा जी से कि आप अपने शब्द रखें। माननीय देवेंद्र सिंह राणा जी, माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी, माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, महामंत्री माननीय तरुण चुग जी, प्रदेश अध्यक्ष माननीय रविंद्र रैना जी, माननीय सांसद जम्मू पूंछ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी माननीय जुगल जी, साबका डिप्टी चीफ मिनिस्टर कविंदर सिंह जी, कविंदर गुप्ता जी और निर्मल सिंह जी,
और सह प्रभारी माननीय अशीज सूद जी, एक लंबा सफर है सियासत का और उसके चलते एक ऐसा पड़ाव आया जहां मैंने एक जम्मू डिक्लेरेशन का आह्वान किया और एक कोशिश की कि एक जम्मू से पॉलिटिकल नैरेटिव पूरे इंक्लूसिव जम्मू कश्मीर के लिए बनाया जाए, जो एक ऐसा नैरेटिव हो जो जम्मू से हो, जो जम्मू का हो और पूरे जम्मू कश्मीर के लिए हो। और इस नैरेटिव को जब मैंने एक शक्ल दी तो मैंने सभी दलों से बातचीत की, उनसे कहा कि इसमें अपना योगदान दें, क्योंकि एक निशान, एक विधान और एक प्रधान के बाद मैं ये समझता था जाती तौर पे कि एक पॉलिटिकल नैरेटिव जो है वो जम्मू का होना चाहिए, क्योंकि जम्मू के लोगों की अपनी आकांक्षाएं हैं, अपनी भावनाएं हैं, उनकी अपनी कुछ तवक्कात हैं और उनको एक एहसास है कि शायद उनके साथ बदसलूकी हुई, वो एक किसी एहसास से कमतरी का शिकार थे और इसलिए हमने कोशिश की कि एक जम्मू डिक्लेरेशन के माध्यम से जम्मू की आवाज बनाएं, क्योंकि हमारा ये मानना था कि अगर जम्मू से आवाज निकलती है फॉर एन इंक्लूसिव जम्मू। आशा परवर्ती खबर को मिस इंडिया प्लस साइज कंटेस्ट रे ओडिया झियों का कमाल, प्लस साइज रे रनर्स अप होइछंती ओडिया झी अतसी मिश्र। दिल्ली रे फैशन एंड लाइफस्टाइल कम्युनिटी द्वारा अनुष्ठित प्लस साइज 2021 रो मुकुट पिंधिछंती अतसी मिश्र। तबे मुकुट जितिबा परे केमिति रहिछि फिलिंग्स, केमिति रहिछि, केते एक्साइटेड से थिले, केते प्रस्तुति थिला एवं मेसेज कौन से दौछन त्या द्वारा एने आलोचना करिया पई निजे आम साथे रहिछंती अतसी मिश्र, जे मिस इंडिया प्लस साइज रे रनर्स अप होइछंती। अतसी आपनको स्वागत अर्गस न्यूज के, बता से तो मेनी मेनी कंग्रेचुलेशन आपनकर सक्सेस पई। ब्यूटी एंड वेलनेस जतबले जॉब कर अतसी मते सुनी पडछंती सोशल कॉज आमे अतसिंह सहित जोगाजोग करवा। तेब मुझे कही रखुच्छे युच्चती अतसी मिश्र जी की समस्त जो चिंताधारा थाए कि स्लिम ट्रिम फिगर मेंटेन हेले ही जड़े मॉडल हो पार जड़े रैंप्रे चली पार शो अटेंड कर पार अतसी ताको प्रमाणित कर देखते ना कनसेप्ट टी भिन्न से करना ये प्लस सैज कंटेस्ट अर्थात निजर शरीर मोटापा इच्छा शक्ति आगे बहुत फिका पड़ी और से मिस इंडिया प्लस साइज कंटेस्टर रनर्स अप होती ये ओडिया झील घर हूँ ब्रह्मपुर से म्यारेज पर दिल्ली रोते प्राय 18 वर्ष सरकारी चाकरी से फैशन इंडस्ट्री सहित तो जड़ित निजर एक एनजीओ संस्था मध्य रही कलाकल्प सांस्कृतिक अनुष्ठान जहाँकि दिल्ली रही अनेक थर मध्य जस्ट मानने जज भाव में काम करते कि निजे जड़े प्रतिजोगी हैं जो स्टेरियो टाइप रही है जमीक मुझे फिगर रही थे आप रैंप्रे चली पारे मॉडलिंग को क्यारि करेंगे भूल प्रमाणित कर देखते अतसी और से मिस इंडिया प्लस साइज कंटेस्ट रो रनर्स अप होती समय बुलेटिन को रखा। नमस्कार।